Very good morning, student. Class 11th. Student, in the last video, we have discussed about double column cache book. तो double column cache book के जो concept होते हैं, double column cache book में जो चीज़ें use होती हैं, वो आपको last video में discuss किया जा चुका है. अगर आपने last video नहीं देखा है, तो please उसको देख के, नहीं तो यहाँ पे भी confused हो जाएंगे आपके किस तरीके से सर जो है debit और credit में रखा जा रहा है. तो please बेटा first video अगर आपने नहीं देखा उसको देख लीजिए. अगर देखा है तो फिर ready हो जाइए किस तरीके से हम double column cache book बनाते हैं, क्योंकि ये single column cache book से थोड़ा lengthy है, तो ध्यान से देखिएगा और बारीकी से आपको क्वेश्चन करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो डबल कॉलम कैशबुक में कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि डबल कॉलम कैशबुक में दो अकाउंट आपके दिमाग में चलेगा कि सर यहाँ पे कैश भी रहेगा और बैंक भी रहेगा, दो दो कॉलम. रिसीप्ट वाले में भी दो कॉलम कैश और बैंक का, और पेमेंट वाले में भी दो कॉलम कैश और बैंक का. ठीक है, ये चीज़ें आपने लास्ट वीडियो में देखी थी कि सर रिसीप्ट और पेमेंट वाले कॉलम में कैश और बैंक का दो दो अकाउंट मिलेगा, दो दो कॉलम मिलेगा. तो जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, यहाँ से देखो, जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो अगर कैश से रिलेट करेंगे तो कैश वाले में, बैंक से रिलेट करेंगे बैंक वाले में. अगर वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट का है, क्रेडिट मतलब उधार के ट्रांजेक्शन है, तो उधार का ट्रांजेक्शन कैशबुक के किसी भी कैशबुक में नहीं जाता, चाहे वो सिंगल कॉलम हो चाहे वो डबल कॉलम हो. मींस इन द कैशबुक वी रिकॉर्ड ओनली व्हेन कैश इज आउटफ्लो या कैश इज इनफ्लो. हियर कैश कैन बी इन फॉर्म ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज वाया कैश एंड सेकेंड इज वाया बैंक. तो कभी कभी बेटा अगर ये कैश आपको मिलेगा तो कभी कभी नगद मिल जाएगा, तो कैश वाले में रख दिया. सपोज दैट हमने यहाँ रख दिया कि सर ये कैश है और ये बैंक है, और ये दोनों साइड इधर का रिसीप्ट साइड है, ऐसे ही होता है. यहाँ हम पेमेंट कर दें, पेमेंट है, इसका भी कैश और बैंक होगा. तो जब आप पेमेंट बेटा कैश से करेंगे तो कैश वाले में, पेमेंट आप बैंक से करेंगे तो बैंक वाले में रखेंगे. ठीक है, इस तरीके से. और वैसे ही सेम अगर आप रिसीप्ट कर रहे हैं कैश में तो कैश में रखेंगे, और पेमेंट कर रहे हैं कैश में तो सॉरी पेमेंट कर रहे हैं बैंक से तो बैंक में रखेंगे. ठीक है, तो इतना आपने सीख लिया है. और बेटा हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कंट्रा एंट्री की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर कैशबुक के लिए. ठीक है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि सर जो कंट्रा एंट्री होती है, ये कंट्रा एंट्री होती है क्या? सर कंट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जो एक ही ट्रांजेक्शन कैश और बैंक दोनों में इफेक्ट डालता है. मतलब द एंट्री विच अफेक्ट बोथ साइड कैश एंड बैंक एज वेल, दैट इज कॉल्ड कंट्रा एंट्री. इफ द एंट्री अफेक्टेड बोथ साइड मीन्स बोथ अकाउंट कैश एंड बैंक एज वेल, तो वन टाइम अगर वो ऐसा करेगा तो कंट्रा एंट्री उसको बोली जाती है. ठीक है बेटा, और आपको मैंने कंट्रा वाउचर भी पढ़ाया था वाउचर वाले चैप्टर में, तो वहाँ भी आप सीखे होंगे कि कंट्रा वाउचर जो है वो सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजेक्शन के लिए बनता है. मीन्स हम एक बैंक ऐसा ट्रांजेक्शन जो कैश और बैंक दोनों में अफेक्ट करेगा, ऐसा सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन होता है. या तो आप कैश डिपॉजिट करिए बैंक में, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या तो कैश जो है निकाल लीजिए बैंक से. ठीक है, तो बैंक में पैसे जमा करेंगे तो भी कैश बैंक अफेक्ट होगा, और बैंक से पैसे निकालेंगे तो भी कैश बैंक अफेक्ट होगा. इसी कंसेप्ट, इसी अवधारणा को ध्यान में रख करके आप बेटा क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से हमारे ट्रांजेक्शन जो है वो प्रभावित होते हैं, किस तरीके से उनका इफेक्ट जो है वो डबल कॉलम कैश में पड़ता है. तो ध्यान से देखिए बेटा, आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं. इस क्वेश्चन में बेटा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये कैश इन हैंड का मतलब क्या है? कैश इन हैंड का मतलब है बेटा कि जिस समय आपने कैश बुक बनाना स्टार्ट किया, कौन सा कैश बुक बनाने जा रहे हैं? सर हम खुशी की बात है कि हम बनाने जा रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक. ठीक है, ये आप डबल कॉलम कैश बुक बनाने जा रहे हैं. इस डबल कॉलम कैश बुक, चूंकि दो दो कॉलम एक साथ रहेगा कैश और बैंक का, तो पहले शुरू में पूछा जाएगा तुम्हारे ड्रॉल में कितने पैसे, मतलब तुम्हारे डेस्क में कितने पैसे हैं, तो वो नगद नगद कैश की बात हो जाएगी, जो कि 4000 रुपये था, और बेस के तौर पर उस समय हमारे अकाउंट में, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में वो 12000 रुपये था. ठीक है बेटा, और इसी को ये आपका बेस है. यहाँ 4000 और 12000 रुपये आपके पास पहले से 16000 रुपये है. जो 16000 आपके पास है उसमें से 4000 कैश में है नगद, और 12000 रुपये अपने बैंक में पड़ा हुआ है. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद बेचा, फिर रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, ये आपको कैश मिला है. तो इस तरीके से काफ़ी ट्रांजेक्शन है बेटा. ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए किस तरीके से इनको हम कन्वर्ट करते हैं डबल एंट्री सॉरी डबल कॉलम कैश बुक में. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी बेटा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेटा कैशबुक का फॉर्मेट सभी को पता है कि सर ये डबल कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट है. कौन सा कॉलम है? डबल कॉलम कैशबुक. आप यहाँ दिखा देंगे कि सर ये हमारा है, सॉरी ये हमारा है कैशबुक.
क्या बनाने जा रहे हैं आप, कैसे भी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान से करेंगे हम अपने क्वेश्चन को, और कैसे करते हैं तो देखिए। ठीक है बेटा, सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। जब भी बेटा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक मिले, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग बैलेंस होता है, तो आप पहले से लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी मतलब कि जिस दिन हमने स्टार्ट किया उस दिन का पुराना बैलेंस कितना था। आप देख सकते हैं 4000 कैश में और बैंक में 12000 रुपये। चूँकि ये रिसीव्ड साइड है तो यहीं आप रखेंगे 4000 रुपये और 12000 रुपये। और वैसे ही बेटा आपको बता दूं कि कैश का हमेशा डेबिट होता है, बैंक का भी हमेशा डेबिट होता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में रखा जाता है, बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में रखा, लेकिन बैंक कभी कभी क्रेडिट बैलेंस शो करता है, जो ओवरड्राफ्ट लास्ट हमने टॉपिक में बताया भी था। तो ये आपने शुरू में कर दिया, डेट आपकी थी जनवरी फर्स्ट, तो यहाँ पर लिख दिया जनवरी फर्स्ट। ठीक है, तो कितना ईजी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आपने नगद बेचा है, तो नगद बेचा है तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितने का बेचा है, सर हमने बेचा है 13200 रुपये का। अगर चेक मिला होता तो वहाँ रखते, चूँकि आपको नगद मिला है तो आपने उसको कैश में ही रखना उचित समझा, 13200 रुपये। ये डेट थी आपकी 4 जनवरी की। किस दिन बेटा, 4 जनवरी। तो ऐसे ही करते जाएंगे। आगे की बात कह रहा है कि रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं वहाँ पे कैसे ही माना जाएगा, क्योंकि अगर आप चेक चाहते हैं कि हम बैंक में रिकॉर्ड करें तो आप लिख के दीजिए चेक है, तो यहाँ पे रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश है, तो सिर्फ आप सुरेश में लिखेंगे 2500 रुपये। टू सुरेश अकाउंट 2500। ठीक है बेटा, कंसेप्ट देखिए, ऐसा नहीं कि ये कोई फिक्स क्वेश्चन में, तो ऐसे ट्रांजेक्शन आएंगे तो आप इसी तरीके से करेंगे। ये रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश या किसी पार्टी के नाम किसी भी क्वेश्चन में आएगा, इस तरीके से आएगा तो आप ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हम आंसर लाने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कंसेप्ट सीखने की बात करेंगे किस तरीके से ट्रांजेक्शन होगा। अगला, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमी एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इन टू बैंक। आपने एक चेक मिला और तुरंत बैंक में जमा कर दिया, तो आप यहाँ लिखेंगे, आप टू रवीज अकाउंट। कितने का चेक है बेटा, सर ये चेक है हमारा कितने का है, 6400 का। तो 6400 यहाँ। ठीक है बेटा, और इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट है आपका सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाई चेक। तो ऑफिस स्टाफ को सैलरी दिया है, कितना दिया है देख सकते हैं, ये 7600 रुपये का आपने पेमेंट किया सैलरी के लिए, तो आप लिखेंगे अब की बार पहली बार पेमेंट हो रहा है बाई सैलरीज अकाउंट। कितना कैश में नहीं बल्कि पेमेंट हुआ आपका बैंक से, तो 7600 रुपये। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। इसके बाद गिवेन है, आप देख सकते हैं पेड टू सुधीर बाई चेक, सुधीर को पेमेंट किया गया चेक से, तो बाई सुधीर रखेंगे, बाई सुधीर अकाउंट। कितना सर, सुधीर को जो पेमेंट किया गया है वो है 5000, तो हमने चेक से पेमेंट किया है इसलिए हम 5000 ही रखेंगे। इसके बाद है बेटा सुधीर के बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, चूंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस के आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पेमेंट कैश में हुआ कि चेक में हुआ, तो जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है वहाँ पे चेक ही सॉरी कैश ही माना जाता है, तो यहाँ पे रखेंगे बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कितना है बेटा, 1200। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं बेटा, तो ध्यान से देखते रहिए। इसके बाद है कैश परचेज, अगर आपने नगद परचेज किया तो फिर पेमेंट किया, तो आप यहाँ लिखेंगे बाई परचेज। देखो भाई पेमेंट के लिए हो रहा है तो पेमेंट, रिसीप्ट के लिए हो रहा है तो रिसीप्ट, क्योंकि आप पेमेंट करेंगे तो आपके पास से जाएगा, तो परचेज अकाउंट। अब बात यह है कि परचेज कितने का किया है, सर परचेज के 8000 रुपये का, वो भी नगद किया, तो आप 8000 रुपये इसमें दिखा दें। वेरी गुड, नेक्स्ट हम बात करें कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो कंट्रा की बात आ गई बेटा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक कितना जमा किया है, 10000 रुपये। अब देखो यहाँ पे पहले जमा वाला है, किस में जमा किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक वाले में जमा कर दो, खुशी खुशी 10000 रुपये बैंक में जमा कर दिया, और कहाँ से निकाला, कैश से 10000। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहली बार आपके साथ हो रहा है ये, तो 10000 आपने बैंक में जमा किया, ये जमा इधर से होता है, आपने बोला कि रिसीप्ट वाला जो कॉलम होता है वो डिपॉजिट होता है, यहाँ से क्या होता है निकासी होती है, ऐसा आपने पासबुक पे भी दिखा होगा। तो 10000 रुपये कैश से निकाला और बैंक वाले कॉलम में जमा कर दिया, जब बैंक ने पूछा पैसा कहाँ से आया तो आपने दिखा दिया टू कैश अकाउंट, और जब जमा किया
यहाँ से निकाला तो कैश पूछा कहाँ पैसा गया, आपने कहा बाई बैंक अकाउंट। और इसी के लिए लेजर फोलियो में यहाँ पे सी लिख दिया जाता है ताकि आपको पता चले कि ये कंट्रा हो जाए, ठीक है, कंट्रा एंट्री है, सी, सी का मतलब कंट्रा एंट्री। तो आप इस तरीके से एक एंट्री ताकि मतलब भी पता चले आपको। इसके बाद बेटा कैश सेल्स, तो फिर से आप करिए टू सेल्स 15,100, टू सेल्स अकाउंट 15,100, सॉरी कैश में है तो कैश में रखिए 15,100। आ जाइए सेल्स के बाद, अब है आपका बेटा परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश, वेरी गुड। तो परचेज मशीनरी पेमेंट मेड बाय कैश, तो बाय मशीनरी आप रखेंगे क्योंकि पेमेंट हो रहा है, तो बाय मशीनरी अकाउंट कितना बेटा मशीनरी 6,800 है शायद, 6,800 तो रख दीजिए 1,800 रुपये। आ जाओ बेटा फिर बैक, इसके बाद पेड वेजेज फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी के पेमेंट के लिए अगर आपने अगले दिन पेमेंट किया तो ये भी मशीनरी के ही नाम से जाएगा, तो आप इसको 400 रुपये को फिर से मशीनरी अकाउंट दिखाएंगे। ये चीज़ हमने बहुत पहले बताई है कि अगर कोई असेट्स परचेज करते हैं और उस पर तुरंत खर्चा होता है तो वो उसी असेट्स के नाम से जाता है, ये बातें आप शायद जान रहे होंगे, तो यहाँ मशीनरी के ही नाम से जाएगा, वेजेस के नाम से नहीं जाएगा। इसके बाद विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अब की बार बैंक से पैसा निकाला है तो जब बैंक से पैसा कितना निकाला ये देखो ध्यान से, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 7500 रुपये निकाला, ये इसका उल्टा चलेगा। देखिए 7500 रुपये जब तुम निकाल के लाओगे तो कहाँ रखोगे, अपने ऑफिस में, तो चलिए सर 7500 रुपये हमने रख दिया कैश में से, और कहाँ से निकालना आपकी बार, बैंक से निकालना है, ये देखो उल्टा चल रहा ना, जब जमा किए तो यहाँ हुआ था आपकी बार यहाँ, तो 7500 रुपये आपने निकाल लिया। तो बैंक से जब निकला बैंक ने कहा कहाँ गया, बोला कैश निकल करके गया, कैश अकाउंट 7500 रुपये। और यहाँ जब कैश में पैसा आया तो कैश में विड्रॉल में रखा गया पैसा, पूछा गया कहाँ से आया तो बता दिया बैंक से आया, तो टू बैंक अकाउंट, इसको बोला था कंट्रा एंट्री, ये निकलने वाली कंट्रा एंट्री, ठीक है, और जमा करने वाली ये थी, तो ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है, सॉरी नेक्स्ट है आपका बेटा, ये विड्रॉ हो चुका है, रिसीव द चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। अब 4,600 का चेक रिसीव किया तो रखेंगे यहाँ पे टू अनिल्स अकाउंट 4,600, तो 4,600 रुपये, बात बराबर है ना बेटा, क्योंकि कैश में होता तो कैश, क्योंकि उसने चेक दिया तो हमने बैंक में रख दिया, वेरी गुड। अनिल्स चेक रिटर्न बाय बैंक एंड डिसऑनर, जो अनिल से आपको चेक मिला था वो जो है बेटा उसको डिसऑनर कर दिया गया। देखो अनिल का चेक कहाँ है, अनिल चेक कोई है, अनिल का चेक यहाँ पे, चलिए जो भी हो, तो अनिल्स का चेक जो है बेटा आप डिसऑनर कर दीजिए, तो यहाँ पे करेंगे बाई साइड में बाई अनिल्स चेक, सॉरी बाई अनिल्स अकाउंट, अनिल्स अकाउंट कितना 4,600 रुपये। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपने कुछ चेक मिला तो आपने बैंक में डाला तो टू अनिल्स अकाउंट कर दिया, तो 4,600 बैंक में जमा हो गया। बैंक वाले ने कहा कि इस पे जो साइन है वो मैच नहीं कर रहा, इस पे जो सिग्नेचर ये सही नहीं है, तो उसने क्या किया वापस कर दिया, बैंक वाले ने क्या कर दिया बेटा रिटर्न कर दिया। तो जब बैंक वाला आपको रिटर्न कर देगा तो भाई जमा किया तो टू अनिल बैंक में डाला, वापस करेंगे तो भाई अनिल बैंक में डाल देंगे, भाई पैसा निकल गया, जैसे गया वैसे निकल गया, गुड। इसके बाद है बेटा परचेज द कंप्यूटर एंड पेड बाई चेक, तो 8,000 का कंप्यूटर आपने परचेज किया तो बाई कंप्यूटर अकाउंट 8,000, ठीक है। इसके बाद है पेड चैरिटी बाई चैरिटी अकाउंट कितना बेटा 120 रुपये, हाँ याद रखिएगा, सॉरी चैरिटी के बारे में क्या बोला था, हाँ बेटा पेड चैरिटी बोला है, सिर्फ क्या बोला है सिर्फ पेड चैरिटी, तो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेक की नहीं होती वहाँ पे ट्रांजेक्शन कैश का ही माना जाता है, पेमेंट हो गया, पेड इनटू बैंक 12,000 रुपये फिर से बैंक में जमा किया, पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में फिर से 12,000 रुपये आपने जमा किया है। अब देखो बैंक में जमा करना है तो जमा इधर से होता है, कहाँ जमा करना बैंक में, चलो फटाक से बैंक में जमा कर दो बेटा 12,000 रुपये लेके जाओ 12,000 रुपये, कैश में से 12,000 रुपये निकालेंगे तभी ना हवा में थोड़ी आएगा, तो 12,000 रुपये कैश में से निकल गया, जब कैश में से निकला तो कैश ने बोला बाई बैंक हो गया, और बैंक के पास आया तो बैंक ने बोला कि टू कैश नगद हमारे पास आया कितना 12,000, ठीक है बेटा। तो बहुत आसान है, कर लीजिएगा, मुझे लगता है कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब आगे हम जो है करेंगे इतना करने के बाद, अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप टोटल डेबिट मान लीजिए दोनों का, ये देखिए ये टोटल डेबिट कर लीजिए और इसका टोटल डेबिट कर लीजिए, कर लीजिए देखिए कितना आएगा, इस कॉलम को बढ़ा लीजिए, टोटल डेबिट करेंगे बेटा तो हमने यहाँ पे करके रखा है
टोटल डेबिट ऑफ कैश जो आएगा बेटा वो आपका हो जाएगा 42,300 और कैश का जो क्रेडिट आएगा वो 38,520 रुपये। मतलब क्या, मतलब ये बेटा कि जब आप इसको टोटलाइज करेंगे, ये लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटलाइज करेंगे, तो इसका जो पूरा जोड़ आ रहा है वो आ रहा है 42,300 रुपये। कर लीजिएगा 42,300 रुपये, ये आपका हो गया। लेकिन जब आपने इसको टोटल किया, ये कैश वाला पोर्शन, कैश वाला ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पोर्शन, तो ये आपका आया कितना, सिर्फ 38,520 रुपये। इसके बाद आपने क्या किया कि डेबिट माइनस क्रेडिट कर दिया, कितना बचा 3,780 रुपये। इधर का कितना रहा 38,520। मतलब सर जब हमने इसको जोड़ा तो ये सिर्फ हो रहा था 38,520 रुपये। कितना हो रहा था 38,520 रुपये, ठीक है। 38,520 रुपये में बेटा 38,520 रुपये ये आपका हुआ। अब चूंकि कितना पैसा कम पड़ा भाई, देखो डबल एडी सिस्टम के अकॉर्डिंग जितना यहाँ उतना यहाँ, तो अगर आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं 42,300। मतलब जितना यहाँ होगा 42,300 उतना ही यहाँ होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे इसको ऐड करने पे 38,520 रुपये आया है, तो आप करेंगे क्या, ये डेबिट माइनस कर देंगे क्रेडिट। तो डेबिट माइनस क्रेडिट आपके सामने है, देख पा रहे होंगे आप, कैश के 42,300 में से 38,520 माइनस किया तो कितना आया 3,780। मतलब सर कि हमारा 3,780 रुपये जो है वो कम पड़ रहा था 3,780। इसको जब आप लिखेंगे यहाँ पे 3,780 तो ऐड करके देख लीजिएगा 42,300 रुपये आएगा, और ये जो 3,780 है इसका नाम पड़ेगा बाई बैलेंस सीटी। क्या लिखेंगे बेटा आप, बाई बैलेंस सीटी, ठीक है। इस तरीके से ये आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम बस बैलेंसिंग करना है, बुक में भी थोड़ा सा हेल्प ले लीजिएगा। इसके बाद बेटा अब हम कर रहे हैं बैंक का, तो जब बैंक का डेबिट देखा तो बैंक का टोटल डेबिट आ जाएगा 45,000 रुपये और क्रेडिट है 32,700। तो बैंक का टोटल डेबिट आपका ये हो जाएगा 45,000, और यहाँ जब आपने टोटल किया ये टोटल जो हो रहा है बेटा वो हो रहा है 32,700। कितना हो रहा है 32,700 रुपये, गुड। अब इस 32,700 रुपये में कितना कम पड़ा भाई, इसमें 45,000 में से 32,700 रुपये जब आप माइनस करेंगे तो ये आपका जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा 12,300। तो हमने यहाँ पे रख दिया 12,300। अब जैसे ही आप 12,300 यहाँ पे रखेंगे बेटा, तो आप देखेंगे कि आपका दोनों साइड जो है वो इक्वल हो गया है, कितने से, आपका इक्वल हो चुका है 45,000 से, ठीक है। तो फाइनली आपका कैश बुक मेंटेन है। आप ये देख के चलेंगे कि जितना इधर उतना इधर भी होना चाहिए भाई, 42,300 इधर तो हुआ लेकिन इधर कुछ कम पड़ रहा था, जितना कम पड़ रहा था उसको हमने अलग से लगा दिया कि कितना जो है कम पड़ रहा था वो अलग से नाम उसका दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा, बाई बैलेंस सी डी। ये 3,780 रुपये और यहाँ जो कम पड़ा था वो 12,300 रुपये। ये हमारी मजबूरी थी कि हमें दोनों तरफ बराबर करना था, नहीं तो अच्छा नहीं दिखता वो, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, डबल कॉलम कैश बुक एग्जाम में भी आया हुआ है। इसके बाद है यहाँ डेट, हाँ यहाँ सॉरी यहाँ पे बेटा डेट थोड़ा सा नहीं किया गया, आप डेट मेंटेन कर लिए, जितने भी डेट गिवेन है उसमें क्वेश्चन में यहाँ पे देखो डेट गिवेन है उसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा आपके सामने ये देखिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप इस तरीके से करिए, कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करिए। कोई प्रॉब्लम आती है वैसे वीडियो के हेल्प लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो बात कर सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।